बिना मुंडेर वाले कुएं में गिरने से नीमच में गौ माता की मौत हो गई। ये कुआ एसपी ऑफिस के पीछे महाराणा बंगला में बालाजी मंदिर के सामने पहले नंबर पर खाली पड़े प्लॉट में स्थित है। रहवासियों ने बताया कि ये कुआ सार्वजनिक है। गौ माता के गिरने की सूचना रहवासियों से मानवाधिकार निगरानी समिति के अध्यक्ष दिलीप छाजेड़ को मिली। दिलीप छाजेड़ ने ताबड़तोड़ कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद नगरपालिका का अमला जेसीबी लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। नगरपालिका के कर्मचारी प्रहलाद छपरी ने जेसीबी से कुएं में उतरकर रस्सा बांधकर गाय को बाहर निकाला। कुएं में बहुत ज्यादा कचरा और गंदगी हो रही है। गौ माता के बिना मुंडेर वाले कुएं में गिरने वाली घटना प्रशासन के लिए आंख खोलने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले इंदौर में हुए एक हादसे में कुएं में गिरने से असंख्य लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दिए थे कि पूरे प्रदेश में बिना मुंडेर वाले कुओं को व्यवस्थित कराकर उस पर जाली लगाई जाए। ये कुआ ऐसी स्थिति में है जहां कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं हुई। ये कुआ और घटित घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नगरपालिका प्रशासन इससे सबक लेगा। मेरे पास इधर ही पड़ोस में रहने वाले भाई साहब आए थे, बोले हम पास में रहते हैं और एक गाय कुएं में गिर के मर गई है जो बिना मुंडेर वाला है। प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही कही जाएगी कि अभी कुछ दिनों पूर्व इंदौर में एक बिना मुंडेर वाले कुएं में हादसा हुआ और कई जाने उसमें गई। तो यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है उनके कागजों में चिन्हित होना चाहिए कि नीमच में कितने कुएं सरकारी हैं और बिना मुंडेर वाले हैं, और उनको ढकना चाहिए ताकि आगे से कोई घटना ना घटे और बिना मौत के कोई मारा ना जाए। एक घोर लापरवाही का मामला है और बिना मुंडेर वाले कुएं ढकना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में इसका आदेश है। ये कुआ एक ऐसा इसी तरफ है कि अगर कोई वहाँ गिर जाए तो कोई उसको निकालने वाला देखने वाला नहीं है, और अगर कभी कोई अनायास गिरा तो उसको मरना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से आग्रह है, यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन का ऑफिस भी सामने ही है और पूरा रहवासी घनी बस्ती क्षेत्र है, छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर घूमते होंगे और कभी कोई गिर गया तो बड़ी जनहानि हो सकती है। प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेके देखना चाहिए। अभी भी सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होती हमारे द्वारा और हमारे जितने भी संचालन की व्यवस्था करा दी गई, अभी है ना तुरंत है ना गाय को निकाल दिया गया। हमारे द्वारा शहर के सभी खाली कुओं का सर्वे करा दिया गया है। ये कुआ खाली प्लांट में था और इसके आसपास इतनी झाड़ियां हैं कि कुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद ही हमारे द्वारा अगर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई तो तुरंत कार्रवाई की जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है। गौ माता जो सबको दूध पिलाती है, सबका ख्याल रखती है, गौ माता का इस तरह से कुएं में गिरकर उसके प्राण जाना ही बड़ा संकट का है और इसके लिए पूरे नीमच को प्रायश्चित करना पड़ेगा। साथ ही जो नगर पालिका प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। नीमच से अब्दुल अली डानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।